Hey guys, welcome back to another vlog. This is Sumit Jain. आज डे टू है हमारा केदारनाथ का. फर्स्ट डे में मैंने जैसे कि आपको दिखाया था हाउ टू डी, एंड डे टू में मैं आपको यहाँ पे अभी मैं ट्रैक को आपको डिटेल में दिखाऊंगा. अभी आप देख रहे हो मैं गौरीकुंड में आ गया. मेरे पीछे नदी है और ये यहाँ पे आप गौरीकुंड देख रहे हो, ये आपका फीमेल का है, मेल का आगे है. मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ, तो इस वीडियो में बने रहो और मैं अभी आपको पूरा ट्रैक डिटेल में लेके चलूंगा. कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या सुविधा है सब कुछ बताऊंगा. ट्रैक पर अगर वॉशरूम अवेलेबल है या नहीं है वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा. और ऊपर जाके मंदिर पे क्या चीज़ है, क्या क्या फैसिलिटी है वो भी दिखाऊंगा. बाकी सुनने में आ रहा था कि स्ट्राइक है, यहाँ के लोकल्स ने ऊपर स्ट्राइक कर रखा, बट वो अभी हो गया सेटल या नहीं वो भी मैं आपको ऊपर ले जाके पहुँचा के बता दूँ. तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो यही है गौरीकुंड और यहाँ पे लोग नहा रहे बहुत आराम से, क्योंकि ऐसा माना जाता है यहाँ पे आप कभी भी आओ आपको हमेशा गर्म पानी मिलेगा. और भाप तो आप देख ही रहे हो कैसी चल रही है. तो खैर चलिए हम भी आगे चलते, हमने भी नहाया, स्नान हमने वैसे होटल से करके निकले, आगे बढ़ते अब जल्दी से. तो मैं अब जल्दी से ऊपर की ओर आ चुका हूँ और ये देखो सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ. भीड़ देख के तो आपको गाइस लग ही रहा होगा. तो चलिए हम यात्रा शुरू करने से पहले आप सभी लोगों के साथ एक बार हर हर महादेव बोलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं. तो ठीक है गाइस, आप जैसे कि देख रहे हो ये है वही गौरीकुंड का मेन मार्केट. यहाँ से आपको अभी इतनी ज़्यादा भीड़ है जबकि मैं लेट हो चुका हूँ, मैं 10 बजे चुका है. और ये देखो यहाँ पे आपको खच्चर वच्चर सबके प्राइस मिल जाएगा, स्क्रीन पॉज करके आप आराम से देख सकते हो. वैसे मैं बता देता हूँ गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक के लिए आपका 3500 रुपये ये ले रहे हैं खच्चर वाले. और अगर हम बात करते हैं पालकी की तो वो वेट के हिसाब से लेता है अप्रॉक्स. अगर मान लो मेरा वेट, जैसे कि मैं अपना वेट बताता हूँ, मेरा वेट अप्रॉक्स 90-95 kg है, तो मेरे वेट के हिसाब से लगभग 25-30,000 लेते हैं. और अगर मैं पिट्ठू की बात करते हैं, जो कि आपने केदारनाथ मूवी तो देखी होगी ना, जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत जो पिट्ठू का काम करते थे, उसका रेट अप्रॉक्स मेरे वेट के हिसाब से वो आपका पड़ता है 15-16,000 रुपये. ऐसे नॉर्मल जो 70-75 kg तक के आप हो तो आपको मिल जाएगा वो अप्रॉक्स 10-12,000 रुपये का. हाँ तो गाइज हम आ चुके लगभग 5500 meters आगे. और ये देखो ये यहाँ पे एंट्रेंस है और यहाँ पे एंट्रेंस इस बार यहाँ पे नहीं हुआ करता था. इस बार यहाँ पे देखा आपको शौचालय भी आपको मिल जाएगा जो कि बिल्कुल निःशुल्क है. तो अगर आप भी प्लान करते हो तो यहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा और इधर पानी आपको हर जगह मिल जाएगा. फिलहाल ये तो घोड़ों का पानी और ये शायद आम लोगों का है. तो चलिए गाइज ट्रैक पे आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से आगे लेके चलता. तो गाइस ट्रैक स्टार्ट करने के बाद ये इसका मुख्य द्वार आता है. यहाँ से आप मान लो आपका ट्रैक स्टार्ट है. वैसे तो यहाँ से गौरीकुंड और पिट्ठू स्टैंड जो है आपका आधा किलोमीटर पीछे है, 500 meters है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ से आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाते हैं. तो गाइस चलते चलते हमें ये दिखाइए, देखो ये एक मेडिकल कैंप है. यहाँ पे अगर आप आते हो, मैं भी वैसे आंटी लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ओ सॉरी दीदी लोग, तो मैं भी यहाँ पे जाके अपना बीपी और ऑक्सीजन जरूर एक बार चेक करवाऊंगा. रीज़न ये है कि आपको चलते चलते पता नहीं चलता कब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई या बीपी अप एंड डाउन हो गया. तो चीड़वासा भैरवनाथ मंदिर है ये हम आ चुके हैं. ये अप्रॉक्स मान लो 1.5-2 kilometers माना जाता है. अब एक्चुअल डिस्टेंस तो हमें कुछ भी नहीं पता क्योंकि यहाँ पे सारे साइन बोर्ड गलत है. कहते हैं 16 kilometers आपको पेपर पे 16 kilometers मिलेगा, बट 22 kilometers से कम बिल्कुल नहीं है. घोड़ा खच्चर स्टैंड है वो भी आपका 18-20 kilometers पे आता है. तो गाइस ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. और ये देखो एक और फर्स्ट एड कैंप मिल चुका है. वैसे तो ये है आपका जंगल चट्टी जो कि 4-4.5 kilometers माना जाता है आपका गौरीकुंड से. तो यहाँ मैंने सोचा कुछ नाश्ता करते हैं. अभी आ जान दो हमारे सारे लोग, जो भी हमारे दोस्त फ्रेंड आ रहे हैं वो नीचे हैं अभी, उनके आने के बाद फिर हम कुछ खाते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे. फिलहाल आप देख लो यहाँ पे भी अगर आप थके हुए हो या बीमार हो, आप यहाँ रुकना चाहते हो, तो यहाँ आपको टेंट की व्यवस्था की कर रखे हैं इन्होंने, तो आप आराम से यहाँ रुक सकते हो, अपना नाइट स्पेंड कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं किस पे खाते हैं. ये देखो यही है वो पालकी जिसकी मैं बात कर रहा था और यहाँ ये सामने मेडिकल कैंप हमारे. तो गाइज मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पे, अब देखते हैं क्या लेते हैं. अरे सुन कपिल, ले ले यार कुछ नहीं है, पराठे वराठे मंगवा ले, मैगी बस छोड़ दे. और तो और गाइज मैं आप लोगों को साफ साफ बोला था, यहाँ पे आपने देखा होगा ये सस्ते जादू तो सब बन के घूम रहे. रीज़न ये है ना कि अभी जो मौसम है केदारनाथ धाम का, ये बिल्कुल ही मतलब बारिश आपको ऑल टाइम हो सकती है. तो हम भी गीले हो चुके हैं ऑलमोस्ट और अभी तो सिर्फ 5 kilometers ही आ गया है, तो आप भी गीले हो सकते हो. इसलिए अपने साथ या तो अम्ब्रेला कैरी कर लेना या तो कोई रेनकोट. तभी तो मैं बोलता हूँ जानवरों का कभी यूज़ मत करो यार. ये देखो क्या हालत बना रखी है इनकी और कोई नहीं इसके आसपास, क्या हो रखा है पता नहीं. बहुत ज़्यादा मतलब परेशान लग रहे हैं मुझे ये तो शिट. तो गाइस इसी के साथ हम और थोड़ा और आगे आ गए हैं अप्रॉक्स 500 meters. और ये देखो ये है लॉन्ग रूट, ये हम लेकिन शॉर्टकट लेंगे ये वॉशरूम के बगल से.
अगर आप लेने में सक्षम है तो ले, अदरवाइज आप ले लो वो चक्कर। मैं तो सोचा कि थोड़ा सा ना हाइकिंग है वो बच जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लगभग अभी 2 किलोमीटर आ चुके हैं आगे, और आपको मैं दिखाता हूँ आगे अभी कितना, 2 किलोमीटर और आगे है, 2 या 1.5 किलोमीटर होगा, जो कि जंगल चट्टी है। तो हमने सोचा वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वहाँ से आगे चलेंगे। ये देखो पीछे से नज़ारा कुछ ऐसा है रास्ते में। अभी तो कम भीड़ है, बस ऐसा माना जा रहा है कि ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो बस थोड़ा संभल के चलते रहो। देखो, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ना, यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है। देखो फिर से बारिश स्टार्ट है, बट हम यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि मैं पता नहीं इस बार क्या हो गया है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा थक जा रहा हूँ। तो ये देखो हमारे मतलब ट्रैक का पहला वाटरफॉल, वाओ कितना प्यारा लग रहा है। तो आप भी आए तो ये ज़रूर देखें। तो अब हम आगे निकल चुके हैं गाइज, और भीड़ आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है ट्रैक पे। इस बार तो ऐसा माना जा रहा था कि सिर्फ 15,000 पर डे आएंगे, आज यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। और ये देख रहे हो आप पीछे आगे हर तरफ, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए, ये देखो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। खैर अब आए हैं तो यात्रा तो पूरी करनी पड़ेगी, तो क्यों नहीं मुंह पे एक अच्छी सी हम स्माइल लेके अपनी यात्रा पूरी करें, क्योंकि तभी तो मज़ा है। और यहाँ पे लोग तो हेलीकॉप्टर से आ जाते, खच्चर पे बैठ के आ जाते, बट मैं बोलूँगा अगर आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है तो आप प्लीज़ ट्रैक करें, क्योंकि जब तक आपको थोड़ा बहुत आप थकोगे नहीं तब तक आपको मज़ा नहीं। और ये वादियाँ, ये इसका अलग ही मज़ा है। और गाइस इसी के साथ फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, और हम अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं बारिश बंद होने का, और तब तक सोचा चाय नाश्ता कुछ कर लेते हैं, क्योंकि इस बार अभी जैसे कि स्ट्राइक इन्होंने ख़त्म कर दिया है, इसके बाद हर जगह ये देखो हमें इधर, ओ भाई साहब इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा क्या। चलो कोई बात नहीं, डरना क्या है, आए हैं तो जाएंगे ज़रूर, बस ले लो महादेव का नाम और चल लो चढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो गाइस अभी हम जल्दी से, अब हम जल्दी से कुछ खाते हैं, तब तक बारिश भी बंद हो जाएगी, चलते हैं। और हम ये ब्रिज पे आ चुके हैं गाइस, और इसे जल्दी से, ये तो लग रहा है खच्चर वाला ब्रिज है, कोई बात नहीं उस साइड बन चुका है ये नया, लास्ट ईयर नहीं था जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख लोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अभी हम यहाँ से आगे की ओर निकलेंगे, मैं आपको एक बार नदी दिखा देता हूँ, ये देखो, ओ भाई साहब हटना भैया, हाँ एक सेकंड साइड हो जाओ, हाँ अरे साइड हो जाओ भाई, हाँ ये देखो आप नदी देख रहे हो, कुछ ज़्यादा उफान पे है। और सोचो जब तबाही आई थी 2013 में, उस टाइम ये नदी कहाँ होगा, इसका पानी सोच के ही डर लगता है मुझे, तो क्या मंजर रहा होगा उस टाइम। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोचने और आगे बढ़ते रहना है हमें। और मौसम आप देख रहे हो कितना सुहावना हो रहा है, मतलब बारिश की छोटी छोटी सी बूंदे, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। तो ठीक है गाइस, तब तक वीडियो में बने रहना, और मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर जल्द से जल्द पूरा कवर करूं, और जो भी जहां पे स्नोफॉल हो रहा है, वैसे तो मुझे लग रहा है आज ऊपर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे स्नोफॉल होने के पूरे चांसेस हैं, तो हम मंदिर कैंपस में जाएंगे और स्नोफॉल का पूरा जायजा करेंगे, हाँ, और फिर जो भी अपडेट होता है वो आपको जरूर देंगे। तो गाइस वीडियो में बने रहना, और बिल्कुल ये लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा है कि लोग वहाँ पे धरना डाल रखे, ऐसा है कि मतलब कोई किसी तरह का कोई भी सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए बाकी देखते हैं, अगर आना पड़ा वापस तो सेम डे में हम आ जाएंगे। तो गाइस आप देख रहे हो अभी भी यहाँ पे कितना ज़्यादा बर्फ है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, मैंने फिलहाल शॉर्टकट लिया है, रास्ता वो जा रहा है, थक बहुत ज़्यादा क्यों, ये देखो ये बहुत ही गंदा हो गया है, मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, और आगे ऊपर और भी हमें मिलने वाला है। हम ये शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं जो कि ऐसे नीचे से यहाँ से होके आ रही है। तो गाइस वीडियो में बने रहना, वीडियो कैसी है लगी ये जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो प्लीज़ आप टेक्स्ट कर सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आ सकते हो। इस बार बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है यात्रा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं पहुंच पाऊंगा सही सलामत। खैर ठीक है, वीडियो में बने रहे गाइस, मैं जल्दी से आपको पहुंचाता हूं केदारनाथ मंदिर। वो तो सिर्फ गाइस एक डेमो था, ये देखो असली बर्फ की चट्टाने तो यहाँ पे, खैर ये पूरा ब्लैक आइस हो चुका है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी बर्फ है ये, बट ठीक है मैं चाह रहा हूँ कि अब ना हो स्नोफॉल, सारे हमारे श्रद्धालुओं के अच्छे से दर्शन हो जाए और सब कुछ सही रहे, सब सेफ रहे और आराम से सब अपने अपने घर चले जाएं। तो गाइस फिर भी ये देख लो, मैं आपको एक बार अपडेट दे रहा हूँ कि ये अभी मई है, मैं 13 मई है और 13 मई को मैं अपना ट्रैक कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो हाँ आई नो आप तक ये वीडियो थोड़ा लेट पहुँचेगी क्योंकि मैं घर पहुँचूँगा उसके बाद ही आप तक पहुँचाऊँगा। तो गाइस ये देख रहे हो आगे एक और दिख रहा है, वो देखो मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, और देख रहे होगे आगे और भी जाके मतलब वहाँ पे आपको स्नोफॉल दिख जाएगा, स्नोफॉल नहीं मतलब ब्लैक आइस दिख जाएगा आपको।
तो ठीक है, जितना ये देख रहे हैं ना आपका स्टैंड और ये सब चीज़, ये सब हमें ऊपर चढ़ना है यहाँ तक। तो गाइस अभी तक आपको वीडियो में मज़ा आया कि नहीं आया ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और अगर आप भी शिव जी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो एक बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ही दो। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगा कि वीडियो लाइक करो या मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ। बाकी ये देखो गाइस कितना मतलब अच्छा नज़ारा है ये। ओ बच्चे देखो ऊपर खेल रहे हैं, खैर बच्चे तो नहीं है तो बच्चों के बाप है, बट ठीक है हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हमें नहीं जाना क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी तरह का कोई भी हमें मतलब कुछ भी क्षति पहुंचे या किसी तरह के हमें कहीं भी मतलब चोट लगे जिससे हमें ट्रैक पूरा ना कर पाए। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार 360 एंगल पे, ये देखो यहाँ से अभी थोड़ा सा यहाँ पे मौसम अच्छा हुआ है, बारिश बंद हो चुकी है और वादियाँ तो बिल्कुल ही ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ से जाने का नहीं, बिल्कुल मन मोह लेने वाली वादियाँ हैं यहाँ पे। मतलब लास्ट ईयर में आया था यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा, वाह देखना सूरज की वो किरणें बिल्कुल ही बादलों के अंदर से ऐसे चीरती हुई निकल रही है, देख के तो बिल्कुल अलग ही मज़ा है। मैं तो ये बोलूँगा ट्रैक के, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रैक करो, एक तो हेल्दी रहोगे स्वस्थ रहोगे और ऊपर से ये मतलब वादियों का जो ये मज़ा है ना, ये आप और हेलीकॉप्टर या पिट्ठू पे नहीं बैठ के ले सकते हो, ये जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे तब तक फील नहीं आएगा। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं अब हम। तो गाइज अभी हो चुका है लगभग 8 बज चुके हैं और ये देखो 4 किलोमीटर अभी भी रह रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चलते आगे की ओर। अभी भी यहाँ पे देख रहे हो आप, अभी भी 4 किलोमीटर दिखा रहे हैं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा यार हो क्या रहा है ये, चल चल के थक गए लेकिन अभी ये देखो 4 किलोमीटर। खैर अब तो मेरे बस की नहीं, आज नीचे जाना, मैं कहीं भी कोई सा भी टेंट लेके आज फिलहाल यहीं रहूँगा, दर्शन आप लोगों को कल सुबह पक्का करवाऊँगा। बाकी गाइस ठीक है बढ़ते आगे की ओर। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो कल रात में हमें यहीं रुकना पड़ता है, ये आपका हिमलोक, जो ये हिमलोक है सामने आपके, ये हिमलोक के पीछे नया टेंट है। अगर बात करते तो ये मतलब अभी तो इनका कोई नाम नहीं है और मैं अभी आपको और आगे ले जाके दिखाता हूँ। जैसे कि इनके अभी है मतलब 2 और 3 पर्सन वाले टेंट है, छोटे छोटे आपके डिकैथलॉन के टेंट है। बाकी अगर आपको और भी अगर अच्छा कैंप या टेंट करना है तो आप इधर रह सकते हो, ये आपका जैसे देख रहे हो ये हिमलोक का है, अदरवाइज ये भी ठीक है काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम लोग रहे हैं कल रात से आज तक। और सबसे खास बात यह है जैसे कि हम अभी तक यहाँ थे, हमारा बैग इन्होंने बाहर नहीं रखा, वो टेंट में पड़ा था। खैर अब बाकी आपको मैं मंदिर की ओर लेके चलता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और मेरे को रात में यहीं पे टेंट लेके रहना पड़ा। रीज़न ये था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा मैं थका, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और रात में 10:30 बजे पहुँचा। देन मैंने सोचा ठीक है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहीं रुकेंगे, दर्शन अच्छे से करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन करवाऊंगा और फिर क्या क्या प्रॉब्लम आई सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। बाकी अभी तो हम मंदिर के लिए चल रहे हैं, लाइनें बहुत लंबी लग रही है, ये देखो मैं दिखा दो, इस बार सब कुछ चेंज हो गया, ये देखो ये सारी लाइनें हैं, ये जो देख रहे हो ना आप इस सारी लाइनें इस बार चेंज हो गया। जो पहले बार की बात करें तो पहली बार तो ऐसी था कहीं से भी चले जाओ घुस जाओ। चलो ठीक है गाइस वीडियो में बने रहो, मैं जल्दी से जाता हूँ अपने टोकन कलेक्ट करके फिर लाइन में आगे की ओर बढ़ता हूँ। जैसे कि गाइज आप सभी को मैंने बताया था पहले पार्ट में कि रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पे काउंटर मिलेगा जहाँ से आपको अपना टोकन कलेक्ट करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन मिस कर देते हैं तो यहाँ पे आपको आपको डायरेक्ट को टोकन दे देंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आप आराम से निश्चिंत होके आइए। तो गाइज मैंने अपना टोकन प्राप्त कर लिया, ये देखो मेरा टोकन है और मैं अब जा रहा हूँ अपने लाइन में दोबारा से लगने क्योंकि मैं वहाँ अपने दोस्तों को छोड़ के आया हूँ। मैंने बोला आप लोग चिंता मत करो मैं टोकन लेके आता हूँ, आप लोग लाइन को फॉलो करो। चलिए गाइस, तो माय गॉड देख रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है, अब हम इसमें लगेंगे क्या? ओ भाई हटना सामने से। हाँ ये देखो गाइस यहाँ तो लाखों लोग ऐसे लग रहे चिपके पड़े हैं, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ तो। मेरे को लगा कोई क्यू फॉलो करना होगा कुछ, ये कैसे कैसे जाएंगे हम लोग। खैर छोड़ो, आए हैं तो जाएंगे ज़रूर, दर्शन ज़रूर करेंगे, यात्रा कम्प्लीट करेंगे हम अपनी। फाइनली मैं यहाँ से आगे आया और यहाँ पे कुछ लग रहा है कि क्यों को ये फॉलो करें, यहाँ पुलिस वालों ने यहाँ पे होल्ड कर रखा है सारी भीड़ को, बट ऐसे मेरे को सही नहीं लग रहा है। इन्हें 1, 2, 3, 4 जितने भी क्यू मतलब लाइनें ऐसे बनाना चाहिए, कॉलम वाइज कर देना चाहिए था। अब यहाँ पे ऐसे लोग लड़ झगड़ रहे हैं देखना। खैर सामने गाइस आपको दिख रहा होगा मंदिर आ चुका है और ये देखो
मैं तो खैर सारी थकानें मेरी दूर हो गई है। यहाँ पे जैसे ही मैं आया और मंदिर का दर्शन हुआ मेरा, ऐसा लग रहा वाओ, हाँ कोई बात नहीं, अगर मैं 10 घंटा यहाँ लाइन में लग के आया हूँ तो ठीक है। चलिए मैं आपको पास से ले जाके एक बार दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए तो भीड़ तो खैर है, नो डाउट। और अगर गाइस कुछ भी पूछना तो प्लीज मैसेज कर। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ और मैं आ चुका हूँ दर्शन करके, मैं प्रसाद चढ़ा चुका हूँ। जैसे कि हमने सुबह में बात किया था, हम अप्रोक्स आपका 10 बजे के आसपास लाइन में लगते, अभी भी आप लाइन में दिखाओ, लाइन में आप देख सकते हो कितनी भीड़ है और स्टिल अभी भी लोग जा रहे हैं। लेकिन ठीक है, आजकल अभी दर्शन पूरा चल रहा है, अभी आरती का टाइम भी होने वाला है। वैसे मैं इस बार कह रहा हूँ, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर की 2023 की वीडियो देखी होगी, उसमें सब कुछ बहुत ही झटपट हुआ, लेकिन इस बार 10 बजे से हम लोग लाइन में खड़े, इवन हमारा 5:30-6 बजे दर्शन हुआ है। रीजन ये था कि 1 घंटे का यहाँ पे एक मंदिर क्लोज भी हो गया था इसलिए, बट ठीक है हमारा सब कुछ अच्छे से रहेगा। और जो भी डिटेल है वो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया हूँ, सब चीज मैंने डिटेल शेयर किया। अगर तब भी कुछ भी आपको लग रहा है कि मिसिंग है या कुछ पूछना है, यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आप वहाँ के मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। और गाइज ये वीडियो कैसी लगी, ये केदारनाथ यात्रा कैसा लगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे रूमर्स और बहुत कुछ आपने सुनने को मिला था, तो कैसा लगा वो प्लीज आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद हुई हो तो प्लीज एक लाइक तो जरूर करना, और अगर चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।